जिसमें क्यूट सुनीता यादव राधे राधे। आज एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन हम जा रहे हैं तुलसा माता का विवाह करने के लिए। और तुलसा माता का विवाह किस प्रकार और कैसे किया जाता है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने कृष्ण भगवान को ले लिया है, जो हम इनका अपने ठाकुर जी का पूजा करते हैं। और फिर हम लिए हैं गुड़ और चावल, और इसमें हम पहले कनावर बनाने के लिए इसमें गुड़ चावल को इसमें पैक करके और ऊप के साथ तुलसा माता को बांधेंगे। और हम हमेशा हर साल एक साड़ी चढ़ाते हैं तुलसा माता को। देखिए, हमने साड़ी लिया है और ये हमने आटा लिया है, इसका रंगोली बनाएंगे। और देखिए, हमने गेंदा का माला लिया है और ये फल लिया है हमने, जो तुलसा माता को चढ़ाने के लिए रखे हुए हैं। और इसके बाद कपूर है, और ये मेरा देखिए दिया बना लिया है। अब हम चल रहे हैं गाइस पूजा कर। ये देखिए फ्रेंड्स, हम पहले रंगोली बना देते हैं। ये गोबर से हमने पूरा पहले लेप किया था। दीवार को देखिए, हमने डिस्टेम्पर लगा के पेंट कर दिया है। और यहाँ पे हम तुलसा माता को स्थापित करके पूजा करेंगे। ये मेरा चौक, ये चौक हमने बना दिया है, इस प्रकार से चौक बना दिया। ये देखिए हमारी तुलसा माता है, कितनी सुंदर लग रही है। इनको चौक के अंदर ऐसे करके हमने स्थापित कर दिया। और ये जो मेरे कृष्ण भगवान है, जिससे इनका विवाह करने जा रहे हैं, देखिए हमने तुलसा माता के पास ऐसे बैठा दिया इनको। अब इसमें हम देखिए चावल गुड़ को बांध देंगे। एक कन्हावर के लिए हमने चावल गुड़ बांध दिया है। अभी देखिए हमारा ऊक है, उसको बंद कर दो अभी बाबू, बंद कर।
बढ़िया दिख रहा है। कपूर गरम कर।